हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में, जिसका अभी दोबारा फैसला आने वाला है। राम मंदिर को लेकर जो है मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने हिंदुओं पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे और साथ ही साथ अभी आपको बताएंगे राम मंदिर को लेकर हुई मुस्लिम पक्ष की बड़ी मांग के बारे में। तो अभी हम आपको संपूर्ण जानकारी राम मंदिर के बारे में देंगे, तो इसलिए आप वीडियो पूरा का पूरा ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों बहनों मित्रों से हमारी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि यदि आप भी जानकारी आगे भी ऐसी राम मंदिर की प्राप्त करना चाहते हो सबसे पहले ही, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पास ही मार के घंटी के निशान को भी दबा दीजिए अवश्य। और साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं राम मंदिर के बारे में और राम मंदिर को लेकर आ रहे दोबारा फैसले के बारे में। तो आप सभी दोस्तों को हम बता रहे, तो राम मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील राजेंद्र धवन ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि देश में शांति हिंदू बिगाड़ते हैं, मुस्लिम नहीं। और इसी के साथ ही हिंदुओं पर बड़ा आरोप लगा दिया है राजेंद्र धवन ने और मुस्लिम पक्ष का ने अयोध्या मसले को लेकर और राम मंदिर को लेकर। तो राजेंद्र धवन की तरफ से आए बयान में यह कहा गया है कि देश में शांति और सौहार्द हिंदू बिगाड़ते हैं। और राजेंद्र धवन ने कहा है कि देश में शांति और सौहार्द जो है हिंदू बिगाड़ते हैं, बल्कि मुस्लिम नहीं। ये बड़ा बयान दिया है राजेंद्र धवन ने और इसी के साथ इस पर जमकर आलोचना भी हुई है राजेंद्र धवन की। और इसी के साथ ही राजेंद्र धवन अपने बयान से चौतरफा गिरने लगे हैं, लेकिन इसको लेकर अब उन्होंने सफाई दे दी और उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर देश में हिंदू यहाँ पर स्वार्थ नहीं, बल्कि जो आरएसएस संघ जो है स्वार्थ बिगाड़ता है। ये बड़ी बात कही है राजेंद्र धवन ने फिर से। तो राजेंद्र धवन की जमकर आलोचना होने के बाद उन्होंने सफाई दी और कहा कि जब वह हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका मतलब होता है संघ परिवार यानी कि आरएसएस। और धवन ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू शब्द का इस्तेमाल होता था तो इसका मतलब संघ परिवार होता था। मैंने कोर्ट में कहा था कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाया है वह लोग जो है हिंदू तालिबान है। और इसी के साथ ये बड़ी बयान दिया है यहाँ पर राम मंदिर को लेकर धवन ने और कहा है कि मैं संघ परिवार के उन वर्गों की बात कर रहा हूँ जो हिंसा और लिंचिंग जैसे चीजों के लिए समर्पित है। ये बड़ी बात कही है धवन ने। तो इस प्रकार से धवन की तरफ से बड़ा बयान देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही तगड़ा आरोप लगाया जा रहा है हिंदू समुदाय पर और संगठन पर। और कहा जा रहा है कि देश का हिंदू सौहार्द जो है यानी कि देश का माहौल जो बिगाड़ते हैं वह हिंदू है ना कि मुस्लिम है। और ये बड़ा बयान दिया है राजेंद्र धवन ने और इसी के साथ ही तगड़ा बयान दिया आरोप लगाते हुए हिंदुओं पर। और वहीं धवन के इस बयान के बाद जो है आरएसएस संघ के कुछ सदस्यों ने भी तगड़ा जवाब दिया है और फटकार लगाते हुए धवन को तगड़ा जवाब देते हुए कहा गया है कि आप तो है पूरी तरह से हिंदू लेकिन बात कर रहे हैं मुस्लिमों के पक्ष की। और इसी के साथ ही धवन को तगड़ा जवाब और फटकार लगाई है आरएसएस के सदस्यों ने और इसी के साथ ही जो है सदस्यों ने तगड़ा जवाब दिया है धवन को। और वहीं आगे एक और बड़ी राम मंदिर को लेकर खबर आ रही है जहां पर राम मंदिर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जा रहा है मुस्लिम पक्ष और दिसंबर में जो है रिव्यू पिटीशन डालने वाला है मुस्लिम पक्ष अयोध्या के फैसले के खिलाफ। और ये बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है राम मंदिर को लेकर जहां पर जिला ने कहा है कि हम दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। और वहीं उन्होंने कहा जाए कि पूरी तरह से ये हमारी अंतिम बात है। और ये बड़ा बयान देखने को मिल चुका है मुस्लिम समुदाय की तरफ से राम मंदिर को लेकर। तो जहां एक और राम मंदिर का निर्माण का रास्ता जो है साफ हो चुका था, लेकिन इसी बीच जो है मुस्लिम पक्ष ने अपनी टांग डाली है और राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए वह पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहा है। इसी के साथ ही न्याय मांग रहा है मुस्लिम पक्ष और समुदाय। और यहां पर आप सभी को ये जानकारी दे दे, तो जिला ने यह कहा गया है कि हम जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से याचिका लगाएंगे और यहाँ पर हम न्याय की बात करेंगे। ये बड़ी बात कही है जिला ने और के साथ ही मुस्लिम संगठन की तरफ से यह तगड़ा और बड़ा बयान देखने को मिला है राम मंदिर को लेकर।
तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा है कि वह मुसलमानों की नुमाइंदगी करता और यह मामला पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से दायर था और बोर्ड कुछ भी शरीयत के खिलाफ नहीं करेगा। यह बड़ा दावा करने के साथ ही याचिका दायर करने की बात कर रहा है और इसी के साथ ही लॉ बोर्ड यह भी दावा कर रहा है कि उनके मामले के कई पक्षकारों से बात हो चुकी है और उनकी सहमति मिल भी चुकी है और राजेंद्र धवन हमारे वकील रहेंगे पुनर्विचार याचिका में। यह बड़ी बात भी लॉ बोर्ड ने कही दावे के रूप में। और वह इसी के साथ जिलानी की मौजूदगी में बोर्ड के सदस्य ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था और 1857 से लेकर 1950 तक बाबरी की तीन गुंबदों वाली इमारत और अंदरूनी हिस्सा मुस्लिमों के कब्जे में माना गया और फिर फैसला मंदिर कक्ष में क्यों रखा गया, ये बड़ा सवाल किया है यहाँ पर राम मंदिर को लेकर मुस्लिम समुदाय ने। और इसी के साथ ही ये भी कहा है कि कोर्ट ने माना था कि बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1950 को पढ़ी गई थी, यानी वो मस्जिद के रूप में थी और इसके बाद भी मंदिर के दावे को क्यों स्वीकार किया गया, ये बड़ा दावा भी बोर्ड की तरफ से हो चुका है। और वह इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो माना है कि 22 और 23 दिसंबर की रात जो है यहाँ पर चोरी से या फिर जबरदस्ती मूर्तियां रखी गई थी और इन मूर्तियों को देवता नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी और इसके बाद भी कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया है और जमीन रामलला विराजमान को दिए तो ये हमारे पूरी तरह से खिलाफ रहा है फैसला, ये बड़ी बात कही है बोर्ड ने। और इसी के साथ ही इन दावों के साथ अब जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है मुस्लिम समुदाय और संगठन। तो इस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण में खलल आने की बात चल रही है और राम मंदिर के निर्माण में पूरी तरह से अटकलें भी आ रही है यहाँ पर मुस्लिम बोर्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से यह राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर आ रही है और वहीं इसके आगे एक और बड़ी खबर भी आ रही है जहाँ पर आप सभी को ये जानकारी दे दे तो अरशद मदनी की तरफ से बड़ा बयान देखने को मिल चुका है और उन्होंने कहा है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में हम जल्दी याचिका डालेंगे, ये बड़ी बात कही है पुनर्विचार को लेकर यहाँ पर अरशद मदनी ने। और इसी के साथ इन्होंने कहा है कि जमीयत उलेमा हिंद भी यहाँ पर याचिका डालेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो मदनी का कहना है कि अयोध्या पर जो फैसला आया है वह मस्जिद को तोड़कर उसमें मूर्ति रखी गई थी और मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना एक जुर्म है, यह फैसला हमारी सोच के बाहर है। उन्होंने यह भी कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा यहां पर दोबारा रिव्यू पिटीशन में जाने का कोई हक नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने आघात को पहले ही विड्रॉल कर लिया था, ये बड़ी बात अरशद मदनी ने कही है। और इसी के साथ ही कहा है कि मुस्लिम बोर्ड के साथ हम भी याचिका डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और वहीं इसी के साथ ही मदनी ने जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए कहा है कि हर आदमी का यह हक होता है कि उसका मन करे तो वह कोर्ट जा सकता है और यदि नहीं करता है तो वह न जाए, ये बड़ी बात सुन्नी वक्फ बोर्ड पर कही है मदनी ने। और इसी के साथ ही अरशद मदनी ने कहा है कि कोर्ट ने अपने फैसले में यह नहीं कहा है कि मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी और मस्जिद में मूर्ति रखना जुर्म होता है और हम इसलिए कोर्ट जा रहे हैं जिससे कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार कर ले, ये बड़ी बात कही है यहाँ पर अरशद मदनी ने राम मंदिर को लेकर। और वहीं इसी मामले में जो है हमारे वकील यानी कि यहाँ पर जमीयत उलेमा इनके वकील राजेंद्र धवन ने पूरी तैयारी कर ली है और सभी चीजें अंतिम चरण में चली और अगले 2 से 4 दिनों में जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर ली जाएगी। और इसी के साथ अरशद मदनी ने यह कहा गया है कि या तो कोर्ट यह दे कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या फिर यह माने कि मस्जिद में मूर्ति रखना जुर्म है और मस्जिद को तोड़ने वाले गुनाहगार है, ये बड़ी बात भी अरशद मदनी ने कही है राम मंदिर को लेकर। और वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है यहाँ पर याचिका न दाखिल करना से यहाँ पर पूरा संत खुश है और इसी के साथ हिंदू पक्षकार भी खुश है और यहाँ पर कुछ संतों की तरफ से ये बात आ रही है कि ये बहुत हर्ष का विषय है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के हम फैसले का स्वागत करना चाहिए हमको और बोर्ड के रूप से ये स्पष्ट हो रहा है कि न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि पूरा देश राम मंदिर के हक में खड़ा हो रहा है, ये बड़ी बात कुछ संत कह रहे हैं। और वहीं इसके अलावा भी कुछ संत यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य और वह भी राम मंदिर निर्माण हमारा सहयोग कर रहे हैं। और वहीं कुछ और बड़े संत यह कह रहे हैं कि उनके लिए अयोध्या में 84 कोसी के बाहर चाहे जहां मस्जिद की जमीन मांगेंगे वहां दिल खोल कर हमें सहयोग कर देंगे, ये बड़ी बात भी कुछ संत कह रहे हैं। और इसी के साथ ही राम मंदिर को लेकर यहां पर खुशी जता रहे हैं यहां पर सभी संत और साधु। और वहीं इसी के साथ ही आगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आप सभी को यह बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड यदि ठुकरा देता है मस्जिद की 5 एकड़ जमीन तो सिया वक्फ बोर्ड पेश कर लेगा दावा अपना यहां पर 5 एकड़ जमीन के लिए। और सिया वक्फ बोर्ड ने यह कहा है कि हम जो है मस्जिद के लिए यहां पर जो है पूरी तरह से अस्पताल बनाएंगे और इसी के साथ ही सभी लोगों को सहायता प्रदान करेंगे स्वास्थ्य में, ये बड़ी बात कही है सिया वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर राम भूमि को लेकर।
तो दोस्तों इस प्रकार के संपूर्ण जानकारी निकल के आई थी राम मंदिर को लेकर, जहां पर राम मंदिर का भी दोबारा फैसला आने वाला है और राम मंदिर को लेकर जो है मुस्लिम समुदाय ने न्याय की मांग कर ली है और राम मंदिर पर रोक लगाने की मांग कर ली है। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण जानकारी थी राम मंदिर को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस ना ही था। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।